ये कहाँ पर चाहिए? देखिए, ये सब बातें वही है, समाजी प्रॉब्लम्स हैं कि हमने अपने समाज में कुछ चीजों को टैबू बना लिया, अपने तरफ से हराम कर दिया जबकि शरीयत ने नहीं किया। उसी में से ये कह कि दूसरी शादी की तो उसका मतलब माँ को ख्वाहिशात थी, बेटा उसको छोड़ के चले गए और उसके बच्चों को बहका रहे, बेइंतहा बेइंतहा घटिया हरकत है और बहुत बुरा काम है। इसलिए कि बच्चों को माँ से दूर करना या बच्चों को वालदेन से दूर करना, रिश्तेदारों के दिलों में बुराई डालना बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है। कितना बड़ा, इसको कोई डिफाइन लिमिट तो शरीयत में हदीस में नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा गुनाह है क्योंकि रिश्तों को तोड़ने में आएगा। तो ऐसे लोगों का काम है ये कहे, तुम्हारी माँ को जरूरत थी कि उसके साथ कोई इंसान हो, कोई मर्द हो, लिहाजा उन्होंने निकाह किया बेटा, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करती है। हाँ, हमारे पास इसलिए छोड़ा कि हमने डिमांड किया था हमारे पास, लेकिन हमारे पास होता हमने पाले तो उसने उधर नहीं जाना, तो लिहाजा बहकाओ, झूठ बोलो, तो करो। ये बहुत ही घटिया हरकत है, इससे नहीं बचना चाहिए। एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।